अच्छे है ना। आज हम हिंदी का चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। पार्ट 7 आपका, जिसमें एक बहुत ही प्यारी पोएम दे रखी है। क्या नाम है पोएम का? पोएम का नाम है मेरी बिटिया रानी। मेरी बिटिया रानी मतलब एक छोटी सी बेटी है, इसकी जो पोएट है, जो जिसने लिखी है उनकी एक छोटी सी बिटिया है ना, उनकी मम्मा ने लिखी है। क्या नाम है उस मम्मा का? बिटिया की मम्मा का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने लिखी है ये अपनी बेटी के लिए पोयम। चलो हम इसको पढ़ते हैं। आपको दिख रही है ना पोयम पूरी बोर्ड पे लिखी हुई? पूरी पोयम आपके बोर्ड पे है और आपके पास जो बुक है, देखो इसमें कितना प्यारा फोटो भी दे रखा है। ये मम्मा है, ये मम्मा और ये मम्मा की छोटी सी बेटी, इतनी सी बड़ी बेटी है ना। और ये देखो इतनी सी एक डेढ़ साल की बेटी जो थोड़ा थोड़ा चलना भी सीख गई है, उसके लिए इन्होंने लिखी है। सबके पास अब तो बुक आ गई है ना, यूनिट टेस्ट भी हो गया है, तब तो आपके पास कॉपी आनी चाहिए। और सब फेयर कॉपी भी कम्प्लीट रखना अपनी है ना, चेक करने के लिए भी मंगा रहे स्कूल में। तो चलो हम आपकी ये पोएम स्टार्ट करते हैं और इस कविता के साथ में शब्दार्थ भी आएंगे। शब्दार्थ मतलब कि जो नए नए शब्द हैं जो आप पहली बार सुन रहे हो उनका अर्थ क्या होता है वो भी आपको यहाँ दे रखे हैं ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी पोएम। चलो मैं पोएम रीड करूंगी, आप भी अपनी बुक ओपन करके रखिए और जैसे आपको स्टार्टिंग में दो दो मात्राएं दिखाई है ना, तो उन्हीं के साथ में आप भी कोशिश करिए पढ़ने की एक एक के ऊपर है ना। जैसे आपकी पोएम स्टार्ट करते हैं, मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी का कर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माताओ, फूल फूल में उठी खुशी से, मैंने कहा तुम ही तो आओ। छोटी सी पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। देखो मैं बचपन को भुला रही थी, अब जो आपकी जो कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान वो बड़ी हो चुकी है, उसकी बेटी हो चुकी है, तो वो क्या अपने बचपन को भुला रही थी। उसमें में क्या हुआ, बोल उठी बिटिया मेरी, तो उसकी बिटिया जो है वो बोलने लगी। कैसे बोली? नंदन वंशी। नंदन वंशी मतलब क्या होता है? स्वर्ग। नंदन वन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग है ना। तो स्वर्ग की फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। कुटिया मतलब, कुटिया मतलब जो घास फूस का छोटा सा घर होता है ना, उसको बोलते हैं कुटिया। नंदन वन से स्वर्ग के जैसे खिलने लगी थी उसकी जो छोटा सा घास फूस का घर था, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कैसे बुला रही थी छोटी सी बच्ची? माँ ऐसा कुछ बुलाती ना वैसे। और क्या खाकर आई थी वो? मिट्टी खाकर आई थी। खाते है ना छोटे छोटे बच्चे जगह से बाहर जाके कुछ भी मुंह में रख लेते हैं, और मिट्टी तो वैसे भी टेस्टी लगती है सभी बच्चों को, तो सभी उठाएंगे मिट्टी और ये मुंह में रख ली। वैसे ये बच्ची भी क्या खा के आई थी? मिट्टी खाकर। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। कुछ तो उसने मिट्टी मुंह में रख ली, उसको मजा आ गया, अच्छा है खाने को भी, मम्मा को भी खिलाऊंगी, ऐसे कुछ थोड़ी सी और वो मिट्टी जो थी वो हाथ में लेकर आ गई। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माताओ, मतलब मैंने जैसे पूछा कि बेटे क्या लेके आए वो, ये क्या लाई, तो वो क्या बोली? माँ काओ। काओ मतलब क्या है यहाँ पे? खाओ। और वो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे सही नहीं बोल पाते, वो थोड़ा सा फुतला के बोलते, तो वो क्या बोलते? माँ काओ, ऐसा करके बोली। फूल फूल में उठी खुशी से, मतलब कि एकदम खुशी से फूलना मतलब बहुत खुश होना, जो उनकी मम्मा थी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। और मैंने कहा तुम ही खाओ, और मम्मा ने क्या बोला? तुम ही खा लो। फिर मम्मा इसे खाने नहीं देती है ना, पर जो बच्ची थी वो पहली बार ऐसे हरकतें कर रही थी, इसलिए उसको क्या हुआ? बहुत खुशी हुई है ना। ये आपकी बहुत ही प्यारी पोएम है मम्मा और बेटी के लिए। अगर आपके घर में छोटी सी बहना है तो आप देखते हो ना छोटी सी, अगर आपके घर में सिस्टर है तो या कोई भाई है तो ऐसी हरकतें बहुत करता रहता है ना। मम्मा भी फिर घर में जो भी बड़े बड़े रहते हैं वो भी बच्चे के साथ कैसे दुखला दुखला के बोलते हैं,
जैसे बच्चा बोलता है वैसे ही आगे बोलने लगते हैं। चलो इसके साथ आपने शब्दार्थों को साथ में देख लिए है, छोटा सा है आपको रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त स्थान के अंदर आपको पोयम पहले पूरी याद करनी है और जो पोयम के आगे आगे लाइनें दे रखी है उनको पोयम याद करके फिल करना है। यह आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा और साथ ही आपको क्या करना है पीडीएफ से में कंप्लीट करना है इसको। फूल बोल उठी तो बोल उठी बिटिया मेरी, माओ माओ के बारे में क्या है माओ कहकर बुला रही थी, फिर क्या मुझे मुझे खिलाने आई थी। ये तीनों लाइन आपकी जो है वो कहाँ दे रखी है रिक्त स्थान में ले रखी है। तो आपको पूरी पोयम याद होगी, कविता याद होगी, तो आप क्या करोगे रिक्त स्थान फिल कर लोगे। फिर से आपकी कविता की पंक्ति आ गई है नंदन वंशी, ये यहाँ से दे रखी है दो लाइनें लिखनी है। नंदन वंशी फूल उठी वा छोटी सी कुटिया मेरी, फिर आपकी फूल 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 में उठी तुझे से मैंने कहा तुम ही कहो। आपको पूरी पोयम याद करना है ना। अब आपके बाद में दे रखी है ये चित्र पहचानो, आपको दिख रहा है यहाँ पे जैसे एक रानी दे रखी है, एक कोआ दे रखा है, एक कुटिया दे रखी है आपको, फिर एक फ्लोवर फूल दिया है और ये आपका मुंह दिया है, ये हाथ दिया है। आपको पहचान के इसमें से यहाँ पे ये फिल करना है ना, पीडीएफ में आपको ये पूरा मिल जाएगा। कैसी लगी बच्चे पोयम, अच्छी थी ना आज की पोयम? पूरी पोयम याद करके अपनी मम्मी को आप भी सुनाइए है ना।